प्रदेश में 30 मार्च को होने वाली तीन राज्यसभा सीटों को लेकर राजनीतिक और जातिगत जोड़ तोड़ शुरू हो गए हैं। अगर संख्या बल पर नजर डालें तो दो सीटों पर कांग्रेस और एक सीट पर भाजपा प्रत्याशी चुने जाएंगे। कांग्रेस जहां इन चुनावों को लेकर जातिगत समीकरण बिठाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दिल्ली से आने वाले पैराशूट उम्मीदवार भी स्थानीय नेताओं में चर्चा का विषय है। लेकिन अंतिम फैसला तो आला कमान का ही होगा। पेश है ये रिपोर्ट। राज्यसभा के लिए इस बार राज्य से तीन सीटें खाली हो रही हैं। उसमें दो कांग्रेस समर्थित अभिषेक मनु सिंघवी और नरेंद्र बुढ़ानिया की हैं। जहां सिंघवी फिर से आलाकमान की चॉइस पर राज्यसभा का रास्ता तय कर सकते हैं, तो वहीं बुढ़ानिया की जगह अब पार्टी नए चेहरे को जातिगत समीकरणों के आधार पर मैदान में उतारना चाहती है। ऐसे में कई दावेदार पार्टी में सामने आए हैं। कांग्रेस के लिए महिला होने के साथ साथ विजय लक्ष्मी बिश्नोई ओबीसी कोटे से है, तो वहीं एसटी वर्ग से अलका मीणा का नाम सामने आया है। उधर मदेरणा और डॉक्टर हरि सिंह प्रकरण के बाद जाट नेताओं के दौर पर प्रदेशाध्यक्ष चंद्रभान, राज्यसभा सदस्य नरेंद्र बुढ़ानिया और पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र चौधरी के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें मारवाड़ के चौधरी की दावेदारी मजबूत नजर आ रही है। हालांकि चंद्रभान खुद को इस दौर से अलग बता रहे हैं, लेकिन वो आलाकमान का आज्ञाकारी होने से भी इनकार नहीं करते हैं। वहीं मिल रहे संकेतों की माने तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला, संतोष बागडोदिया और प्रमुख शासन सचिव राम लुभाया जैसे नाम भी इस बार उम्मीदवार के तौर पर चर्चा में हैं। राज्यसभा में तो हाईकमान को तय करना होता है, हाईकमान जिन्हें उम्मीदवार बनाएगा। मैं मान के चलता हूँ कि जिस तरह का संख्या बल है राजस्थान विधानसभा में, उनमें हाईकमान को तय करना होता है। जहाँ तक मेरा स्वयं का सवाल है तो मैं खुद दावेदार नहीं, लेकिन मैं मेरी तरफ से कोई प्रयास नहीं कर रहा हूँ। कोई मत जो है वो रद्द नहीं हो जाए, खराब नहीं हो जाए, इसकी पूरी तैयारी कराएंगे। कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनावों के सबसे बड़े वोट बैंक मेवाड़ और वागड़ से उम्मीदवारी की चुनौती भी मुंह बाएं खड़ी है। वहीं ट्राइबल बेल्ट से भी प्रतिनिधित्व के लिए लोग इतिहास का हवाला दे रहे हैं, तो चुनाव हारने वाले कई दिग्गज नेता भी राज्यसभा का सुख भोगना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने सवर्णों की चुनौती भी बड़ी है। राज्यसभा में अपनी दोनों सीटों पर कब्जा करने से बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने इस समय अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर है। इसमें असंतुष्ट धड़े को संतुष्ट करना और अपने बड़े नामों को साथ लेकर चलने जैसे कठिन फैसले भी हैं। इसमें आला कमान के साथ ही गहलोत और सीपी जोशी की भूमिका भी अहम रहेगी। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ अजीत शेखावत, एचबीसी न्यूज़, जयपुर।